नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एकलव्य विद्यालय में एक रेसिडेंशियल ये विद्यालय होता है, यहां पर आपको जेएससी का एक सबसे बड़ा पोस्ट देखने को मिलेगा। काफी वैकेंसी इसमें आ रही है, टोटल 38,000 पोस्ट एकलव्य विद्यालय में आ रहा है, जिसमें से आपका टीजीटी है, पीजीटी है, टीचर वैकेंसी हो गई, और नॉन टीचिंग में भी काफी पोस्ट हैं जिसको मैं एक एक करके उसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, क्या सैलरी होगी, इन सब का डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो इसी में आपका सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि जो बच्चे आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, जिनको टाइपिंग आती है, और अभी फिलहाल में जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं, जैसे केवीएस जेएसए हो गया, इसमें अगर आपका किसी का नहीं हुआ, थोड़े से मार्क्स से अगर आप नहीं जेएससी में सिलेक्शन ले पाए हो, तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा खासा पोस्ट है, 1480 पोस्ट के लिए एकलव्य विद्यालय में जेएससी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पद आ रहे हैं। जल्दी है इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या है इसकी अर्हता, कितने एज लिमिट वाले इसको भर पाएंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, तैयारी आपको कहां से करना है, सोर्स क्या आपका रहेगा, इन सब पर हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए, यहां पर जीएसए के बारे में बता दिया। एकलव्य विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है जो रेसिडेंशियल विद्यालय होता है, जो ट्राइब्स के लिए खासकर ये वर्क करता है। इसमें आपके जो भी आप अपॉइंट हो गए तो आपको वहीं पे रहना है, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। यहां पर बच्चे भी उसी विद्यालय में रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें नवोदय विद्यालय की, वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो यहाँ 1480 पोस्ट है टोटल आपका। यहाँ पे लेवल की अगर बात करें कि आपको सैलरी कितनी होगी, सब लोग सैलरी, तो सैलरी आपका जो केंद्र विद्यालय के जेएसए की सैलरी है, सेम सैलरी आपकी यहां पर भी बनेगी। लेवल टू है 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका बेसिक पे का ये स्केल है। ग्रेड पे 1900 मान सकते हो इसका। बेसिक आपका जो होगा 19,900 होगा, इस पे आपको 42% डीए लगेगा, फिर आपका एचआरए लगेगा, ये सब लग के आपको कहीं ना कहीं 30 से 32 हजार की सैलरी आपको मिलेगी, ऊपर ही मिलेगी, ऑलमोस्ट मान के चलो 32 से 35 ही मान के चलो, यहां पर ये सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छा खासा सैलरी भी आपका। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट अगर हम बात करें तो अगर जनरल कोई है तो जनरल बंदे के लिए 30 साल की एज लिमिट है, अप टू 30 ईयर है। ठीक है, 30 साल तक का बंदा इस फॉर्म को भर सकता है जनरल के लिए। रही बात जो लोग इसके ईएमआरएस के एक तरह से इंप्लॉई हैं, मतलब एकलव्य विद्यालय में आप किसी ना किसी तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, आप उसके कर्मचारी हैं, तो आपके लिए रिलैक्सेशन है। उनका अपर एज लिमिट जो है 55 साल है। बाकी जो एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, और भी जो लोग हैं, जो पीएच हैं, इन सब का रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है। जैसे अगर हम एससी एसटी की बात करें तो ये 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी को बात करें तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ऐसे इसका 35 साल हो जाएगा अपर एज लिमिट एससी एसटी का, और ओबीसी के बंदों का हो जाएगा 33 साल तक। ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं जो लोग 35 और 33 के होंगे, एससी एसटी और ओबीसी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी आप 10+2 हो, मतलब आप क्लास 12th पास हो, और इसके साथ ही आपको स्किल टेस्ट मांगा है। स्किल टेस्ट में आपसे टाइपिंग मांगा है, टाइपिंग में भी अच्छी खासी स्पीड मांगा है, ऐसा नहीं जनरल मांगा है, टाइपिंग में स्पीड आपसे मांगा है। अगर इंग्लिश की आती है तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी का सबसे बड़ा आप लोग प्रश्न पूछते हैं, सर फॉन्ट क्या होगा, तो मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट होगा, यह ध्यान रखिएगा, मंगल इंस्क्रिप्ट का फॉन्ट होगा हिंदी में। अब इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक ही टाइपिंग करना है, तो जो आपको आती हो वही टाइपिंग आप करिएगा, उसी पर प्रैक्टिस रखिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग केवीएस में जेएससी का एग्जाम दे चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप लोग, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी आपका सेम वही रहेगा।
ठीक है, उसी तरह से होगा। तो यहां पर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जिनका किसी कारणवश केवीएस जेएसए का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, वो अपने को अभी अगर सेफ साइड में नहीं समझ रहे हैं केवीएस जेएसए में, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। तो यहां पर आप 35 वर्ड और 30 वर्ड अच्छा खासा स्पीड है, थोड़ा समय लगे। और बार बार मैं ये बोलता हूं केवीएस में भी कुछ बच्चों ने गलती किया, लास्ट टर्म में उनको समय नहीं मिलता है, इस एग्जाम में आपको समय एकदम नहीं मिलेगा, रिटर्न आपका एग्जाम का रिजल्ट आते ही विद इन वन मंथ में आपकी टाइपिंग हो जाती है, ये साफ साफ देखा गया। वन मंथ से कम भी समय मिला था और एक महीने से कम ही समय मिलता है आपको इसके लिए, इसीलिए तैयारी के साथ साथ आप लोग टाइपिंग करते रहिएगा, ये जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं जेएसए केवीएस जेएसए के टाइपिंग में ही छट गए हैं क्योंकि उनका स्पीड नहीं बन पा रहा था, ये बात हो गई। हाँ, अब आता है कि सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका। तो इस पर चलने से पहले एक बार बता दें कि जो केवीएस की एजेंसी कंडक्ट कराई है, केवीएस को देखो, केवीएस में आपका क्या था कि सीबीएसई ने कंटेंट दिया था आपको, क्या दिया था, सीबीएसई ने कंटेंट दिया था, यह ध्यान रखिएगा। और एक एप्टेक कंपनी है, एप्टेक कंपनी ने टेक्निकल हैंडल किया था और इसका बाकी जो फॉर्म फिलिंग है वो एनटीए ने कराया था। किसने कराया था? एनटीए ने कराया था, यह ध्यान रखिएगा। एनटीए पे आप जाओगे तो एनटीए अपना वेबसाइट पूरा डिजाइन करके देगा, डेटा जो अगर बच्चों का हम बात करें तो बच्चों का डेटा हो गया, कोई भी कुछ भी करना करना हो वो सब कुछ एनटीए पे होगा, लेकिन जो लैब हो गया वो एप्टेक जो कंपनी है उसको, एनटीए एप्टेक को हायर करती है, एप्टेक कंपनी जो है इसको कराती है। एप्टेक कंटेंट जो होगा आपका, जैसे अगर रिटर्न का कंटेंट सीबीएसई दिया था केवीएस में, तो इसमें क्या चांसेस है वो डिपेंड करता है, किसी किसी एग्जाम में जो सीबीएसई केवीएस का तो देना ही दे रहा था, तय था, इसका भी हो सकता है कि सीबीएसई दे, या दो चीजें हो सकती हैं कि आपका सीबीएसई कंटेंट दे या हो सकता है कि आपका एनटीए ही दे, एनटीए ही दे, वो आपका नोटिफिकेशन आने पर तय होता है। अगर एनटीए अपना ब्राउजर निकालता है तो समझ लो सब कुछ एनटीए कर रहा है, अगर एनटीए अपना ब्राउजर नहीं निकालता है, और अगर हम बात करें इसके पिछले एक बार 2021 में पीजीटी और टीजीटी के लिए आया था तो उस समय सब कुछ शायद एनटीए के जिम्मे सौंपा गया था, तो यह भी हो सकता है कि एनटीए के जिम्मे सौंपा जाए पूरा का पूरा। अगर जाहिर सी बात है एनटीए ही इसको कराएगी, एनटीए कराएगी तो केवीएस को भी एनटीए ही कराया था, तो जो एक पैटर्न था एक तरह से देखने को मिला, मैं क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, एनटीए आपकी कई एग्जाम करा रही है इस समय जो क्लर्कियल लेवल के हैं, लेकिन मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिलेबस क्या हो सकता है आपका जेएसए के लिए वो तो आप जान लो कि वही रहेगा। सिलेबस में क्योंकि एक विद्यालय की बात है तो हिंदी आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए क्योंकि जितना भी एनटीए एग्जाम करा रही है उसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, और रही बात आपका जो एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं इसी पर बेसिस है, मतलब क्लर्कियल है, जेएसए का एग्जाम है तो यहां पर आपको कंप्यूटर पूछेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अभी इसके बारे में बोला गया है। अगर आप बात करें कि इसकी, हाँ, यहां पर ये नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या, जैसे केवीएस में तो आपका 20-20 था, सबसे 20-20 क्वेश्चन पूछा था सभी से, तो ये भी एक खासियत बात है कि आपका जो एनटीए है वो सभी टॉपिक का इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करती है क्वेश्चंस को, तो 20-20 भी हो सकता है, बाकी बढ़ भी सकता है, 30-30-30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ये है कि सिलेबस में ऑलमोस्ट जो आपने केवीएस में पढ़ा है ऑलमोस्ट वही सब चीजें आपको यहां पर भी होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। तो जिन बच्चों को तैयारी करना है, जो बच्चे केवीएस में फॉर्म फिल करने से रह गए थे या उस समय उनकी टाइपिंग स्पीड नहीं थी तो फॉर्म नहीं फिल कर रहे थे, अगर इस बार उनको फॉर्म फिल करना है तो एकदम तैयार हो जाओ। कि आपको कैसे तैयारी करना, आज से लग जाओ, समय आपको एकदम नहीं मिलता है इन सब वैकेंसियों में, खासकर जो एनटीए कराती है, विद इन 6 मंथ में आपको सब कुछ ओके हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इतना ध्यान रखो कि अगर आपको तैयारी करना है तो कहां से करना है, यह स्वैच्छिक है। इसके लिए टीम परीक्षा प्लस आपकी ऑनलाइन बैच लेकर आएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन का मतलब रिकॉर्डेड आप देख सकते हो,
ऑफलाइन का मतलब यहां पढ़ाने का नहीं, ठीक है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगे जो आपकी लाइव रहेंगी, आपको टेस्ट मिलेगा और नोट्स आपको पूरा आपका डेडिकेटेड रहेगा आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, आपका पोस्ट जो भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग। ये आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आपका क्लियर होगा, एक मैंने बता दिया कि केवीएस की तरह ही होगा सब कुछ, तो ऑलमोस्ट वही आपका सिलेबस पूछा जाएगा जब एनटीए है तो। परीक्षा प्लस जो लोग इंटरेस्टेड है पहले से, आप लोग परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से, या live.parikshaplus.org पर जाके आप परीक्षा प्लस की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लें, ठीक है। वहां पे आपको दिख जाएगा बैच जो एक ऑफर प्राइस में चलाया जाएगा और 593 प्लस जीएसटी इसका प्राइस रहेगा। और इससे क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखते हैं, मिनिमम में आपको सब कुछ मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9450060071927 पर। अब देख बात यह है कि सर ये जेएससी है तो क्या इसमें भी सेकेंड फेज होगा क्या? देखो सेकेंड फेज आपका टाइपिंग तो है, टाइपिंग तो मांगा है, क्या इसमें कुछ स्किल टेस्ट नाम का कुछ होगा? स्किल टेस्ट नाम का तो ऐसा कुछ अभी जो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें कहीं भी आपको दिया नहीं गया है। यहां पर सिर्फ टाइपिंग की बात की गई है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पर देखो सीनियर सेकेंड आपका जो एलिजिबिलिटी है, अगर मैं बात करूं आपका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं, कमी है हाँ। यहां पर अगर बात देखिए हाँ, यहां आप देखिए आपको सिर्फ 10+2 का सर्टिफिकेट मांगा है। स्पीड में आपसे मांगा है मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। कहीं भी यहां पर स्केल टेस्ट के बारे में या सीपीटी जो आपका केवीएस में था उसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आए, डिटेल नोटिफिकेशन आए तब कुछ इसमें चेंजेस हों, लेकिन बहुत कम चांसेस हमें लग रहा है। हर कोई ऐसा नहीं करता है कि केवीएस की तरह ही सब कुछ कॉपी पेस्ट रहे, कुछ चीजें अलग होती हैं, तो जाहिर सी बात है अलग भी हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा। तो बाकी मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया कि आपका क्या सैलरी है, आपको अगर इस बैच इंटरेस्टेड हो बैच लेना चाहते हो तो इसके तो परीक्षा प्लस के द्वारा यह बैच चलाया जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से चलाया जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तभी जाके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो फिर यही होगा कि सभी के 105 110 नंबर आते हैं जैसे केवीएस में हुआ, और आप एकदम उस स्थिति में रहते हैं कि क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। अंतिम क्षण में मात्र 2-1.5 महीने में कुछ हो नहीं पाता है उसमें, बस आप अगर लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इतना कंपटीशन हो गया है कि बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं बन सकते हो। बाकी जैसे ही कोई डिटेल हमें कुछ मिलेगा एकलव्य के बारे में, विद्यालय के बारे में, हम जरूर आपके सामने आएंगे। और भी जो वैकेंसियां हैं टोटल 38,000 वैकेंसी आने वाली है, ऐसे ही करके जो आपके और ड्राइवर की वैकेंसी है, सीनियर एसएसए की वैकेंसी है, ठीक है, उसके बाद से वार्डन की वैकेंसी है, तो जो भी लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है इसमें है, अच्छी खासी पोस्ट है, तो जिनके भी जितने पोस्ट हैं उनके पूरा डिटेल रिक्रूटमेंट क्या प्रोसेस है प्लस उनकी सैलरी क्या है इसके बारे में मैं एक एक वीडियो करके आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई प्रश्न अगर पूछना हो इस वैकेंसी के बारे में तो आप वीडियो के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो भी आप कमेंट पूछेंगे उसका जवाब दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। पूरी कोशिश होगी कि आपके जो सवाल हैं उसका जवाब आपको मिले। तो कोई भी और जानकारी हमें मिलती है तो जरूर हम आपके समक्ष आएंगे। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।